हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम एक्स। मैं तनय कुमार, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को जानने के पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है और वो पहुंचता है जब बी पे, तो जो आपका एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है, ये जो एक्चुअल पाथ है हमारा, इसका जो लेंथ है दैट इज एक्चुअली डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा हुआ एक्चुअल पाथ, पाथ ए बी। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ ये ए और बी को मैं एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो ए से बी की तरफ मैंने स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट किया, तो ये जो लेंथ होगा हमारा ए से बी तक इस डायरेक्शन में, उसको मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा ए बी जो स्ट्रेट लाइन वाला है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए। अब हम लोग मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। तो स्पीड की जब भी बात आती है, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब मैंने पहले आपको दिखाया, जो एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है ए से बी की तरफ, तो टोटल लेंथ जो इसने कवर किया है वो ए बी। अब इसको जो टाइम लगा, इस जगह पे जो टाइम था इसका टी वन था, और यहां पे पहुंचने में इसका टाइम हो गया टी टू। हमारा टोटल टाइम क्या लगा? टी टू माइनस टी वन, इसको मान लेते हैं हम लोग टी, इसको मान लेते हैं हम लोग एस। ठीक है, तो यहां पे हमारा स्पीड क्या निकल के आया? एस बाय टी, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं एस बाय टी टू माइनस टी वन। ओके, तो ये जो स्पीड है हमारा दैट इज एक्चुअली एवरेज स्पीड। अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने के लिए हम लोग एक पार्टिकल को मूव कराते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे हम देखते हैं कि ये पार्टिकल इस पोजीशन पे है। तो इस पार्टिकल को एक छोटा सा डिस्टेंस, जो कि हमारा ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, स्मॉल ए स्मॉल बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं डेल एस है, बहुत छोटा डिस्टेंस है ये। इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको टाइम लग रहा है डेल टी, तो हमारा जो स्पीड होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड वो हो जाएगा डेल एस बाय डेल टी। अब अगर मैं कहूं कि डेल टी मेरा बहुत छोटा है, इतना छोटा कि वो जीरो के बहुत पास है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत पास है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल टी टेंस टू जीरो। तो अब हम लोग इसको लिमिट में सेट करते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी। ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे सेक्शन को हम लोग लिख सकते हैं डी एस बाय डी टी। तो हमारा फाइनली इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया? डी एस बाय डी टी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ गिवन है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय एच इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये हमारा गिवन डेटा है, और हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। कब निकालना है? 0 टू 5 सेकेंड के बीच का, जब हमारा टी 0 टू 5 सेकेंड हो। और हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है जब हमारा टी 5 सेकेंड हो एग्जैक्टली। तो चलिए हम लोग पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड हमारा होता है एस बाय टी टू माइनस टी वन। तो हमारा यहाँ पे टी वन है 0 सेकेंड, और टी टू है हमारा 5 सेकेंड, और एस है हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, राइट? तो हमारा स्पीड हो जाएगा एस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इंटू टी, टी हमारा क्या है 5 सेकेंड है, यहाँ पे 5 सेकेंड का स्क्वायर बाय टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन क्या हो गया 5 माइनस 0 5 हो गया, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर हो गया हमारा 25, 25 इंटू 2.5 हो गया हमारा 62.5 मीटर बाय 5 सेकेंड इज इक्वल्स टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा निकल गया एवरेज स्पीड। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं, हमारा क्वेश्चन भी क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड हमारा है डी एस बाय डी टी। तो यहाँ पे डी एस बाय डी टी हमारा क्या होगा, हम लोग इसको निकालते हैं अभी डी एस बाय डी टी। सबसे पहले ये एस है हमारा 2.5 इंटू टी स्क्वायर, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन पहले निकालेंगे, ये हमारा निकलेगा 2.5 इंटू 2 टी, ये हमारा हो जाएगा 5 टी, ये हमारा 5 टी इसका डिफरेंशिएशन निकल गया। अब हमें किस पर्टिकुलर टाइम पे ये निकालना है, टाइम हमारा दिया हुआ है 5 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, ये हमारा स्पीड हो जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड और 12.5 हो गया हमारा एवरेज स्पीड। तो देखिए ये दोनों में डिफरेंस कितना ज्यादा आ जाता है, जब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है पर्टिकुलर किसी टाइम पे तो वो आपका बहुत डिफरेंट आता है एक एवरेज स्पीड से। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों सेम नहीं होता है, दोनों के दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। तो हमें उसी तरीके से जब हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।